तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है निंटेंडो स्विच ओएलईडी वर्सेस एक्सबॉक्स सीरीज एस। तो अब ऑफ कोर्स आप टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि ये थोड़ा सा अटपटा सा कॉम्बिनेशन है कि यार एक्सबॉक्स सीरीज एस को निंटेंडो स्विच ओएलईडी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो अब सुन लो ध्यान से, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह। अब मेरे पास एक्सबॉक्स सीरीज एस भी है, निंटेंडो स्विच ओएलईडी भी है, और एक दिन मुझे अचानक हिट हुआ कि यार इन दोनों का प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ओएलईडी आज के टाइम पे निंटेंडो इंडिया स्टोर से एंड फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे डिस्काउंट्स के साथ एक्सबॉक्स सीरीज एस लगभग लगभग सिमिलर प्राइस का मिल जाता है। तो मुझे लगा मैं दोनों कॉन्सोल्स ओन करता हूँ, इन दोनों में, और इन दोनों में मुझे टाइम स्पेंड करना पसंद है। एक्सबॉक्स की अपनी कुछ ऑफकोर्स स्पेशलिटीज़ है एंड निंटेंडो स्विच ओएलईडी का भी अपना एक अपील है। तो आई वॉज लाइक यार अगर ये दोनों मेरे पास है तो आई एम प्रिटी श्योर कि इस सेम प्राइस पे जब किसी के पास 30-35,000 होते होंगे तो यार उसके दिमाग में भी आता होगा कि क्या मैं निंटेंडो स्विच ओएलईडी खरीदूं या एक्सबॉक्स सीरीज एस खरीदूं। तो एक चीज़ मैं इस वीडियो में बहुत क्लियर कर दूं, मैं इस पूरी वीडियो में ये नहीं बोलने वाला हूं कि आपको ये खरीदना चाहिए या फिर ये नहीं खरीदना चाहिए। ऑन अ वेरी सिंपल नोट, मैं डिफरेंट टॉपिक्स चूज़ करूँगा, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, पोर्टेबिलिटी, टीवी, गेम प्ले वगैरह वगैरह, जो भी मतलब मेरे दिमाग में आएगा। एंड उसके बाद मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इसमें एडवांटेजेस क्या हैं एक के, दूसरे के डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड ऑफ कोर्स ऐसी ये पूरी वीडियो चलती रहेगी। एंड मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं, मुझे कॉन्सोल्स वॉर लगते हैं स्टूपिड। ये जो PS5 अब तो करंट जेन में PS5 वर्सेज एक्सबॉक्स वर्सेज निंटेंडो का जो चलता रहता है ना लोगों के दिमाग में, मुझे टू बी ऑनेस्ट स्टूपिड, मतलब ऐसे ऑफेंड मत हो जाना अगर आप लोग बहुत घुसे हुए हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मुझे स्टूपिड इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम में से सबके पास बजट होगा ना तो हम PS5 भी खरीदेंगे, हम एक्सबॉक्स भी खरीदेंगे, हम निंटेंडो भी खरीदेंगे और उसके ऊपर उनकी गेम्स भी खरीदेंगे, है ना। मतलब इतना तो क्लैरिटी होगा ना, इस बात पे तो एडमिट करोगे ना आप कि अगर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो, अगर आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो, आप तीनों खरीदोगे। तो इसलिए मैं किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए इस सब में ज़्यादा घुसूंगा नहीं। तो अब यार और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन प्राइस ही रखते हैं। तो यार एक्सबॉक्स सीरीज एस का जो ऑफिशियल प्राइस है इंडिया में वो है 35,000 एंड एक्सबॉक्स सीरीज एस आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन स्टोर्स बहुत जगह मिल जाता है। निंटेंडो स्विच ओएलईडी का प्राइस है अमेजोन पे तो चलो छोड़ ही दो, मैं निंटेंडो इंडिया स्टोर का प्राइस पकड़ के ही चलते हैं, तो वो भी 30 से कम में ही मिलता है आपको, ठीक है। प्राइस पॉइंट पे इतना डिफरेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट इनका, क्योंकि एक्सबॉक्स सीरीज एस आजकल विद डिस्काउंट मिल जाता है 30 के बिलो का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है ना इन दोनों में, सेटअप में आता है। तो इन दोनों के सेटअप की बात करते हैं। अब मैंने मान लो एक्सबॉक्स सीरीज एस खरीदा, एक्सबॉक्स सीरीज एस खरीदने के बाद ठीक है मैंने प्लग इन वगिन किया, लेकिन मैं प्लग इन करूँगा किस में, टीवी या मॉनिटर में, तो एक वो एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। अब आई अंडरस्टैंड सबके घर पर टीवी ऑलमोस्ट होता ही है, लेकिन वो जो टीवी होता है वो आपका पर्सनल तो 90% नहीं होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस मेजॉरिटी मिडिल क्लास है मेरी तरह, तो हमारा तो यार ऑफकोर्स टीवी प्राइवेट नहीं होता है ना, तो आप 24 घंटे तो बैठ के नहीं खेल सकते हो ड्राइंग रूम में बैठ के। लेकिन निंटेंडो स्विच ओएलईडी मान लो मैंने आज ऑर्डर किया निंटेंडो इंडिया स्टोर से, परसों मेरे पास आ गया, मैंने अनबॉक्स किया, चार्जिंग पे लगाया, गेम डाली, गेम डाउनलोड करी, एंड दैट इज़ इट। मैं ऑन द स्क्रीन खेल सकता हूँ क्योंकि वो खुद एक पोर्टेबल डिवाइस है, एंड इसका एडवांटेज ये है कि आप डॉक करके भी खेल सकते हो। लेकिन एक्सबॉक्स सीरीज एस के साथ ऐसा है ही नहीं। एक्सबॉक्स सीरीज एस की इंडिया में तो अब तक कोई ऐसी स्क्रीन नहीं आती जो पोर्टेबली आपको एक्सबॉक्स सीरीज एस खिला दे। तो प्राइस में मैं एज मतलब एडवांटेज दूंगा निंटेंडो स्विच ओएलईडी को। आई अंडरस्टैंड कि उसके सर्विस सेंटर वगैरह नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो जो गेमिंग सेटअप प्राइस है वो निंटेंडो स्विच ओएलईडी का काफ़ी कम है, क्योंकि आप मॉनिटर के प्राइस पे निंटेंडो स्विच ओएलईडी की कम से कम 3-4 गेम्स खरीद लोगे बहुत ईजिली। तो गाइज यार अब बात करते हैं दोनों की गेम्स की। अब ऑफ कोर्स दोनों पे अपनी अपनी एक्सक्लूसिव गेम्स है, मैं इनकी एक्सक्लूसिव गेम्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। हो सकता है आप पोकेमोन के क्रेजी डाई हार्ड फैन हो तो आप ऑफ कोर्स वो एक्सबॉक्स पे तो नहीं खेल सकते ना, तो आप निंटेंडो ही खरीदना पड़ेगा उसके लिए। वैसे अगर आपको फोर्ज़ा होराइज़न प्रॉपरली एक्सपीरियंस करनी है तो या तो आप पीसी पे करोगे या एक्सबॉक्स पे करोगे। तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि कौन सी गेम कौन से कॉन्सोल पे, लेकिन गेम्स की अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब मैं थोड़ा सा ना ट्वीक करने वाला हूँ, तो ऐसे एडजस्ट करते हैं इसको। Xbox Series S डिजिटल कॉन्सोल है ना, Nintendo Switch पे भी आप डिजिटली गेम्स डाउनलोड कर ही सकते हो। तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ठीक है अगर डिजिटली ही डाउनलोड करनी है तो ठीक है, Xbox पे आप अपना कार्ड डिटेल्स डाल के या फिर वही उसके गिफ्ट कार्ड्स खरीद के एक्सबॉक्स की गेम्स खरीद लोगे, एंड सिमिलरली निंटेंडो इंडिया स्टोर से आप अपने गिफ्ट कार्ड्स खरीदे अपने USA के ई शॉप रीजन वगैरह के, एंड वहाँ से आपने कोई भी गेम खरीद ली।
लेकिन जो डिफरेंस आता है ना वो प्राइस में आता है. एंड निंटेंडो स्विच की एक्सक्लूसिव गेम्स आर एक्सपेंसिव, देर इज नो टू वेज अबाउट इट. अगर कोई इस बात को डिफेंड करना चाहता है कि निंटेंडो की गेम्स की वैल्यू कम है या आई मीन गेम्स चीप हैं, वो तो नहीं है. ठीक है, एक्सपेंसिव है, दैट इज़ अ नोन फैक्ट टू एवरी वन, इवन द निंटेंडो कम्युनिटी. ऑन दी अदर हैंड एक्सबॉक्स सीरीज एस की जो गेम्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेल पे जाती हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास गेम पास है. गेम पास जो ब्रह्मास्त्र बनाया ना एक्सबॉक्स ने, नेटफ्लिक्स ऑफ गेमिंग, इसको बीट करना ना निंटेंडो स्विच के फिलहाल तो बस की नहीं है. क्योंकि निंटेंडो स्विच के ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में एक तो आपको कोई करंट जेन गेम्स नहीं मिलती है, रेट्रो गेम्स खेलने को मिलती है. एंड सेकेंडली आपको मतलब और भी कोई खास फीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन गेम पास सब्सक्रिप्शन पे आपको रेगुलरली नई गेम्स का इन्फ्लो मिलता है. अब मैं गेम पास के बारे में ना एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन दूंगा. आफ्टर अ वाइल गेम पास थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. देखो अब मेरे पास एक साल से ऊपर से है, तो अब मैं वेट करता हूँ कि इस महीने कोई अच्छी गेम आएगी. अगर मान लो आ जाती है हर महीने ना, वेरी फ्रेंकली ऐसी गेम नहीं आएगी जो आप बहुत वेट ही कर रहे हो खरीदने का. अब मैंने Assassin's Creed Origins आई जब, तो उससे पहले मैं अल्टीमेट एडिशन खेल के ख़त्म कर चुका था, तो अब मेरे लिए उसकी एक्साइटमेंट नहीं रही. अब ऑफकोर्स जिसने नहीं खरीदी थी Assassin's Creed Origins उसके मज़े लग गए. वैसी Far Cry 5 भी मैं ख़त्म कर चुका था, लेकिन जब तक गेम पास पे आई तब तक मतलब मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं रही. तो गेम पास इज समटाइम्स यू नो अ लिटिल मोनोटनी, बट मतलब मोनोटनस सॉरी, बट ओवरऑल इट्स अ बिग विन, क्योंकि आपके पास कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई गेम होती है खेलने के लिए. तो गेम्स अवेलेबिलिटी एंड गेम्स के प्राइसेस पे एक्सबॉक्स सीरीज एस डेफिनेटली हैज़ एन एडवांटेज ओवर दी निंटेंडो स्विच ओवर. तो गाइस यार अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस सपोर्ट के बारे में. एक बार आपने कॉन्सोल खरीद लिया, उसके साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप ऑफकोर्स सर्विस सेंटर्स जाते हो. तो यार निंटेंडो स्विच ओलेड इस पे तो कम्प्लीटली डिसएडवांटेज है, क्योंकि निंटेंडो ऑफिशियली है ही नहीं इंडिया में. तो ऑफकोर्स आपके पास कस्टमर सपोर्ट सर्विस बिल्कुल ही नहीं है. एंड ऑफकोर्स एक्सबॉक्स सीरीज एस की मतलब एक्सबॉक्स की माइक्रोसॉफ्ट की है इंडिया में कस्टमर सर्विस, एंड दैट इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर एक्सबॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. उसके बाद अगर हम बात करें पोर्टेबिलिटी की या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन गेमिंग की, तो एक्सबॉक्स सीरीज एस को आप सिर्फ मॉनिटर या टीवी में लगा के खेल पाओगे, लेकिन निंटेंडो स्विच OLED को आप हैंड हेल्ड में भी खेल सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए भी खेल सकते हो. चार्ज क्या बस अपने बैग में डालो और घुमा के खेलते रहे. एंड अगर आप घर पे हो तो आप टीवी पे भी खेल सकते हो, मॉनिटर पे भी खेल सकते हो. तो ऑफकोर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गेमिंग में निंटेंडो स्विच OLED इज अ क्लियर विनर. अब बात करते हैं इनके कुछ निटी ग्रिटी फीचर्स के बारे में. तो निंटेंडो स्विच OLED पे और एक्सबॉक्स सीरीज एस पे एक छोटा सा मतलब काइंड ऑफ कॉमन फीचर है क्विक रिज्यूम का. ऑफकोर्स एक्सबॉक्स सीरीज एस पे वो ज़्यादा फुल्ली फ्लैश्ड आउट है एंड ज़्यादा बेटर है, एंड आप मल्टीपल गेम्स पे क्विक रिज्यूम कर सकते हो. लेकिन यार वैसे कूडोस टू निंटेंडो कि वो थोड़ा बहुत तो मतलब ऑफर करता है. वैसे टेक्निकली फीचर ना PSP पे भी आता था, लेकिन निंटेंडो स्विच OLED पे अभी बात कर रहे हैं तो उसी को टॉपिक पे रखते हैं. निंटेंडो स्विच OLED पे मान लो आप कोई गेम खेल रहे हो, तो मान लो मैं खेल रहा हूँ मारियो ऑडिसी, ठीक है, अब मुझे गेम के बीच में वो बंद करनी है, या फिर मान लो मुझे कुछ और चेक करना है, ई शॉप पे कोई सेल लग गई, मुझे अभी डाउनलोड करनी है वो गेम, तो मैं बस होम बटन दबा के वो ई शॉप पे अपना काम खत्म करके या यूट्यूब देख के थोड़ी देर चिल करके वापस आ सकता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे. एंड दैट इज़ इट, मैं वैसे ही मारियो ऑडिसी पे क्लिक करूँगा, मारियो ऑडिसी रिज्यूम हो जाएगी. अब एक्सबॉक्स सीरीज एस पे ये सेम फीचर ना थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेटिव है. तो मैं बेसिकली जब निंटेंडो स्विच OLED को बंद कर देता हूँ या फिर मतलब कम्प्लीटली शट डाउन कर देता हूँ, तो वो गेम मेमोरी से चली जाती है. लेकिन एक्सबॉक्स पे ऐसा नहीं होता है. अगर मैं कम्प्लीट फुल शट डाउन भी कर दूंगा तो भी एक्सबॉक्स सीरीज एस वो गेम क्विक रिज्यूम करेगा नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रीबूट करूंगा अपने एक्सबॉक्स सीरीज एस को. वैसे ही लोडिंग टाइम्स एक्सबॉक्स सीरीज एस पे ऑफकोर्स मच मच फास्टर है, मतलब क्रेजी फास्ट है इवन एक्सबॉक्स वन एस वगैरह से. एंड निंटेंडो स्विच OLED पे अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द गेम्स पे लोडिंग टाइम्स बहुत ज़्यादा वेट करवाता है आपको. अब गाइस मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, वो है ग्राफिक्स, क्योंकि अगेन वो जनरलाइजेशन हो जाएगी. जेन्युइनली हो सकता है कि आपकी नीड्स पे इतने हाई ग्राफिक्स ना हो सकता है ना, एंड आपकी नीड्स थोड़ी डिफरेंट हो. तो मेरा पर्सनल सजेशन यही होता है सबको जो भी कॉन्सोल वॉर्स में घुसे होते हैं कि यार भाई बताओ कौन सा कॉन्सोल खरीदूँ मैं, इतना बजट है. देखो आप ना एक पेन लो, एक पेपर लो, इसको ओल्ड स्कूल टाइप करते हैं, लिस्ट बनाओ 1 to 10. 1 to 10 में अपनी गेम्स लिखो, ठीक है, पहली गेम लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, ऐसे आपने 10 गेम्स लिस्ट आउट करी. अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, हर गेम के सामने लिख दो वो कौन से कॉन्सोल पे अवेलेबल है. तो मान लो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स प्ले स्टेशन पे अवेलेबल है, तो आप भाई चुपचाप जाके प्ले स्टेशन खरीद लो, क्योंकि आपको जो गेम्स खेलनी है वो मेजॉरिटी प्ले स्टेशन पे है. तो एक्सबॉक्स सीरीज एस भी मत खरीदो, निंटेंडो में मत खरीदो. वैसे अगर आपकी मेजॉरिटी गेम्स, मान लो अब आप सिर्फ एक्सबॉक्स एंड निंटेंडो वाली गेम्स लिस्ट आउट करते हो, तो जिस कॉन्सोल पे आपकी मैक्सिमम इवन अगर 6 गेम्स है एक कॉन्सोल पे, तो भाई चुपचाप वो जाके खरीद लो अगर आपका बजट लिमिटेड है.
क्योंकि आपको वही कॉन्सोल चाहिए। कॉन्सोल इन इट सेल्फ कुछ नहीं होता है, मतलब कॉन्सोल बेसिकली एक डब्बा होता है और कुछ नहीं होता है, वो उसको फन बनाती है उसके अंदर जो गेम्स होती हैं, उसका जो एक्सपीरियंस होता है। इसलिए इतना ज़्यादा थॉट मत दिया करो इसको कि यार ये वाला कॉन्सोल, ये इसकी इस कॉन्सोल की ऐसी रेपुटेशन है, इसकी ऐसी, वो मत सोचा करो। ये सोचो आपको गेम्स कौन सी खेलनी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक काफ़ी बड़ी एडवांटेज जो मैं एक्सबॉक्स सीरीज एस को दूंगा वो ऑफकोर्स यही होगा कि जो भी थर्ड पार्टी गेम्स हैं, जो मतलब कॉमन गेम्स मान लेते हैं, जो निंटेंडो स्विच ओएलईडी पे भी है एंड एक्सबॉक्स सीरीज एस पे भी है, वो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट एक्सबॉक्स सीरीज एस पे ज़्यादा बेटर चलेंगी। तो ये वाला एडवांटेज एक्सबॉक्स सीरीज एस को है। लेकिन अगर आपको उस गेम को एक्सपीरियंस करना है और आप हॉस्टल में रहते हो, आप पीजी में रहते हो, या फिर आप घर पे रहते हो और आपके पास टीवी नहीं है अपना पर्सनल, एंड आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं खेलने वाले हो टीवी पे, एंड फिर भी आपको वो गेम एक्सपीरियंस करनी है, तो ऑफकोर्स आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, आप निंटेंडो पे ही कर पाओगे। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो अपनी प्रायोरिटीज रखो, ठीक है, एंड उसके हिसाब से कॉन्सोल चूज करो। ये मत सोचो कि एक्सबॉक्स सीरीज एस करंट जेन है, निंटेंडो स्विच ओएलईडी लास्ट जेन है। टेक्निकली निंटेंडो स्विच ओएलईडी करंट जेन ही है क्योंकि निंटेंडो का लेटेस्ट कॉन्सोल है। तो आई रियली होप गाइस कि इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा बहुत भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा आराम से बिना ऑफेंड हुए। अगर कमेंट सेक्शन में आपको कुछ लिखना हो तो प्लीज अपना ना बिना ऑफेंड हुए पहले शांत होना। अगर आप ऑफेंसिव फील कर रहे हो, ट्रिगर्ड फील कर रहे हो ना, तो पहले शांत होना, सोचना कि आपको किस बात से गुस्सा आ रहा है मेरी, और उसके बाद अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक देना कि यार हिमांशु भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये गलत बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाली बात नहीं बोलनी चाहिए, मुझे आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, इसकी एडवांटेज मिस कर दी, ऐसी ऐसी बातें करता है कमेंट सेक्शन में, तो वही कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। अगर आप मुझ पे बस चीख रहे हो कि तू पागल है यार कि तूने ये ऐसे कैसे बोल दिया ओलेड के बारे में या एक्सबॉक्स के बारे में, तो मैं क्या ही कॉन्वर्सेशन करूँगा ना उसमें तो मुझे पता है बस गुस्सा भड़ास निकाल रहे हो मेरे ऊपर। तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी मेरी बातें, कैसा लगा मेरा ओपिनियन, अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे एंड मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मैं निंटेंडो एंड एक्सबॉक्स सीरीज एस पे ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट बना चुका हूँ। डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑफकोर्स कॉमेंट गाइस, एंगेजमेंट बढ़ाओ, रीच बढ़ाओ, हम भी फेमस हो यार, हम भी थोड़े 10K 20K वाले सब्सक्राइबर्स वाले रेंज में आएँ। एंड गाइज अगर आपको निंटेंडो स्विच की कोई भी गेम्स या फिर कॉन्सोल खरीदना है निंटेंडो स्विच इटसेल्फ, तो आप निंटेंडो इंडिया स्टोर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इट इज़ एन इंस्टाग्राम पेज, अ वेरी ट्रस्टवर्दी इंस्टाग्राम पेज, सो डू नॉट वरी अबाउट कि आप स्कैम हो जाओगे। मैं इतने टाइम से उनको प्रमोट कर रहा हूँ तो स्कैम तो नहीं होंगे आप, डोंट वरी। एंड गाइज विद दैट इज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।